बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी बट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। सिंपल ही इसमें बताया हुआ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अगर आप कोई एक्शन करेंगे उसके अगेंस्ट एक ऑपोजिट रिएक्शन आपके सामने आएगा, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पर एक्ट नहीं करते, दोनों जो हैं वो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एग्जांपल है, प्लेस योर हैंड ऑन अ टेबल एंड प्रेस इट हार्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखें, ये सपोज कर लें आप कि ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है। इस पे हमने अपना हाथ रखा, इसे हमने प्रेस किया, ठीक है। प्लेस योर हैंड ऑन टेबल एंड प्रेस इट हार्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यू विल फील दैट द टेबल इज आल्सो एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन योर हैंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। आपने जो है वो टेबल पर हाथ रखा और उसे प्रेस किया जोर से, आप ऐसा फील करेंगे कि टेबल की अपनी एक फोर्स है जो आपके जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ठीक है। आपने जो है वो एक्शन किया, ठीक है, आपने उसे प्रेस किया, यह आपका एक्शन है। टेबल का अपना एक रिएक्शन आएगा सामने जो कि फोर्स लगेगी, टेबल जो है वो फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या होगा, रिएक्शन होगा। आपने प्रेस किया, ये एक्शन है। टेबल ने अपनी फोर्स लगाई, ये उसका रिएक्शन है। द फोर्स अप्लाइड बाय योर हैंड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एक्शन, वाइल द पुश ऑफ द टेबल ऑन योर हैंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्शन। ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिया है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। स्टेटमेंट भी आपको समझ आ गई है। छोटा सा ये एक टॉपिक है, छोटा सा एक लॉ है न्यूटन्स का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।